बहुत से लोग मॉडर्न लाइफ को प्रोडक्टिव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे के दिन में अधिक फिट रह सकते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से संतोषजनक रिजल्ट उत्पन्न नहीं होते। अधिक समझदार जीवन जीने का मतलब लिमिट सेटिंग करना है और आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। सिंपल प्रोडक्टिव के 6 प्रिंसिपल्स का पालन करें। फर्स्ट वन, सेट लिमिटेशंस। लिमिटेशन निर्धारित करता है कि कौन से गोल्स, ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ताकि आप उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पूछे कि क्या एक काम आपके जॉब या करियर को काफी प्रभावित करता है। लिमिटेशन के बिना लाइफ अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में बहुत गड़बड़ कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है, आइसक्रीम के 5 फ्लेवर में से एक चुनना आसान है, जबकि 50 में से एक चुनना कठिन है। लिमिट्स आपको अपने ऑप्शंस को नैरो करने और अपनी एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। बाउंड्रीज सेटिंग करना आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती है, लेकिन वर्क प्लेस में यह विशेष रूप से प्रभावित है। बहुत से लोग ईमेल्स, फोन कॉल्स, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और जिम्मेदारियों को बोझ महसूस करते हैं। लिमिट स्थापित करना, जैसे कि 40 के बजाय एक दिन में 2 बार अपने ईमेल की जांच करना, पहले अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार ये आदत बन जाती है तो आपको अपने जीवन का वह पहलू अधिक मैनेजेबल लगेगा। ये बातें याद रखें, आपको बस उस चीज को समाप्त करना होगा जो जरूरी नहीं है। सेकेंड वन, चूज द एसेंशियल। अपने जीवन में जरूरी बातों को डिफाइन करने के लिए इन कंपोनेंट्स की सावधानी से सेल्फ एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसमें फर्स्ट वन है प्रिंसिपल्स। अपने वैल्यू, मोरल्स और एथिक्स पर गौर करें। अधिकांश लोगों को एक स्पेसिफिक समूह के मुख्य बिलीफ्स के अनुसार अपना जीवन जीना है। सेकेंड वन, ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स पर जोर करना यह तय करने में आपकी मदद करता है कि क्या आपके स्पेसिफिक एक्शन आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। थर्ड वन, प्रायोरिटीज। ये जाने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल चिंताएं क्या है, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। फोर्थ वन, कॉन्सिक्वेंसेस। घर में और ऑफिस में अपने फैसले और व्यवहार के प्रभाव का मूल्यांकन करें। कुछ चीजों से दूसरों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है। लास्ट वन, विशेष वर्सेस रिक्वायरमेंट्स। क्या आपको वाकई उन महंगे शूजों की जरूरत है? आप जितना सोचते उतना ही नॉन एसेंशियल है। थर्ड वन, सिंप्लीफाइंग इलिमिनेटिंग द नॉन एसेंशियल। अधिकांश लोग कम से कम 10 गोल पूरे कर सकते हैं, जिन्हें वे अगले कुछ सालों में पूरा करना चाहते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन और एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए एक गोल को चुने जिसे अच्छे से 12 महीने के अंदर पूरा करना चाहते हैं और इसे सब गोल्स में तोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और फिर ये देखिए कि कौन से कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है। स्टेप बाय स्टेप प्लान करना एक गोल को अधिक मैनेजेबल तरीके से पूरे करने पर जोर देता है। डेली या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को संभालने के लिए प्रोजेक्ट लिस्ट का उपयोग करें। अपने जीवन में प्रत्येक प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं, शुरुआत के 3 काम को चुनें, बाकी को वेटिंग लिस्ट में रखें। इन 3 कामों को पूरा करने पर फोकस करें, ताकि आप फंसे होने के बदले काम करें। फोर्थ वन, फोकस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन बिकमिंग मोर इफेक्टिव। काम में सक्सेसफुल होने या सार्थक जीवन जीने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। अतीत के बारे में सोचते हुए या भविष्य के बारे में चिंता करने से आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। केवल एक चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखें। निगेटिव थॉट्स आपको दुखी कर सकते हैं और आपको ट्रैक के बाहर कर सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी ने जीवन का एक तरीका मल्टीटास्किंग कर दिया है। ड्राइविंग करते समय लोग अपने सेलफोन पर बात करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, वो अभी खत्म भी नहीं हुआ, इसके पहले आपका बॉस आपको 2 नई प्रायोरिटीज आपको देता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे एक ही समय में 3-4 जगह बैटिंग करने का प्रयास कर रहा। एक समय में एक बात पर ही ध्यान दे। हर सुबह काम पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि क्या करना है। यदि संभव हो तो अपने फोन का जवाब ना दें, इंटरनेट सर्फ करें या अपने ईमेल पढ़ें। अपने आप को अनुशासित करें। अपने विचार पैटर्न के बारे में अवेयर रहें। यदि आपको लगता है कि आप विचलित हो रहे हैं या निराश हो रहे हैं, उठो और चलो। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, फिर नए सिरे से अपने काम में लग जाएं। फिफ्थ वन, क्रिएट न्यू हैबिट्स टू मेक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। लाइफ चेंजेस की नई आदतों के विकास के परिणाम आप इन स्टेप्स का पालन करके 30 दिनों में एक अच्छी आदत लगा सकते हैं। फर्स्ट वन, चूज अ हैबिट। केवल एक महीने चुने, महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक आदत चुने। एक आसान आदत के साथ आरंभ करें, जैसे अपने डेस्क को साफ करना। डेली एक्सरसाइज 10 मिनट के लिए करें और यह सुनिश्चित करें कि अपनी इम्प्रूवमेंट को मेजर कर सके। सेकेंड वन, कमिट योर प्लान टू पेपर। हर दिन क्या करना है, ऐसे स्टेप्स को कागज पर लिखें और जब आप उन्हें परफॉर्म कर रहे हो तो एक ऑब्लिगेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। थर्ड वन, पब्लिसाइज योर इंटेंशंस। लोगों को अपनी नई पहल के बारे में बताएं, आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। लास्ट वन, रिपोर्ट योर प्रोग्रेस। सभी को पता चले कि आप अपने डेली टारगेट प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। यदि आप सफल हो रहे हैं तो आप आनंद लेंगे, और यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी महत्वपूर्ण राय और प्रोत्साहन मदद कर सकते हैं।
6-1 स्मार्ट न्यू हैबिट्स इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स टू इंश्योर सक्सेस। फर्स्ट वन, लेस इज मोर। अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए एक दिन में दो बार ईमेल की जांच करें, लगभग सवेरे 10 बजे और शाम को 4 बजे। सेकेंड वन, प्रायोरिटीज। लाखों लोग सुबह अपने कंप्यूटर या मोबाइल को चालू कर लेते हैं और तत्काल ही ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक देखने लगते हैं, जिससे आपका डेली रूटीन प्रभावित होता है या करने के लिए खुद को अनुमति न दे। थर्ड वन, टर्न ऑफ एंड ट्यून इन। जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक के फालतू नोटिफिकेशन को बंद करें जो आपको जरूरी नहीं लगता या जो चीजें आपके काम में बाधा डालती है। फोर्थ वन, फाइट द अर्ज। नोटिफिकेशन देखने की हैबिट को एक या दो हफ्ते तक नहीं करने के लिए कमिटेड रहें। एक संकेत बनाएं, हैबिट से जांचने की आदत को रोकें। फिफ्थ वन, फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर। स्पैम को अपने इनबॉक्स में रखने के लिए एक प्रोग्राम खोजें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सूचित करें कि आप जोक्स और अदर यूजलेस ईमेल्स प्राप्त न करें। 6-1, रिप्लाई, डाइवर्ट और डिलीट। प्रत्येक मैसेज के साथ क्या करें? तुरंत जवाब दें, इसे किसी विशेष सेटिंग फोल्डर में भेजें या इसे हटा दें। बस अपने इनबॉक्स में कचरा ना बैठने दें। लास्ट वन, रिप्लाई इन ब्रीफ। ये देखिए कि क्या आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल की रिप्लाई को 5 सेंटेंस से कम में रख सकते हैं। आप इंटरनेट सर्फिंग की हैबिट को मॉडिफाई या ब्रेक कर सकते हैं। यह विचार सबसे चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन एक घंटे के इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। अपने काम पर अपना पूरा ध्यान दें। अपने काम को शुरू करने से पहले अपने ऑनलाइन सर्च करें। वेब से डिस्कनेक्ट रहने से आपको कमजोर और इनसिक्योर महसूस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अधिक कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। इन 6 कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग ऑथर ने कमिटमेंट करने में होने वाली दुविधा के बारे में बताया है। अधिकांश लोगों की फैमिली, जॉब, समाज और धार्मिक समूहों सहित ऑब्लिगेशंस की लंबी लिस्ट है। आपको मालूम नहीं हो सकता आप कितने तक इन्वेंटरी लेते हैं। आपके द्वारा अपनी लिस्ट एकत्र करने के बाद पूछे कि प्रत्येक व्यक्ति आपके जीवन में कैसे प्रभावित करता है, वैल्यू जोड़ता है और अपनी प्रायोरिटी को फिट करता है। टॉप 5 को चुने जिन्हें आप ज्यादा प्यार करते हैं और बाकी को समाप्त करने का चयन करें। आपकी पहली प्रायोरिटी है कोई भी काम जो आपको आपके गोल्स तक नहीं पहुंचाता और आपका टाइम पास होता है, ऐसे काम को सीधे तौर पर ना बोले। और हाँ, जल्दबाजी ना करें, बैक टू बैक शेड्यूल ना बनाएं जिससे आपके डिप्रेशन का लेवल बढ़ सकता है। ये बातें याद रखें, सिंपलीफाइंग का मतलब है कि आप अपना जीवन खाली छोड़ने के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। लास्ट टॉपिक, स्टे मोटिवेटेड। चाहे आपका गोल हेल्दियर लाइफस्टाइल या बेटर जॉब है, लेकिन ये टिप्स आपकी मोटिवेशन बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकती है। फर्स्ट वन, गो स्लोली। सबसे अच्छा तरीका डाइट और एक्सरसाइज को प्रोग्राम करने का ये है, शुगर का सेवन कम करें और आधा मील चलना शुरू करें। सेकंड वन, फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपके काम या गोल्स का आकार आपको डूबने ना दे, निगेटिव थॉट्स को एक तरफ खींचे, बेनिफिट पर ध्यान केंद्रित करें, सोचे कि आपकी अचीवमेंट्स कितनी बड़ी होगी। थर्ड वन, सीक इंस्पिरेशन। उन लोगों से बात करें जिन्होंने आपके द्वारा प्राप्त किए गए बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया है और सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ना कंटिन्यू रखें। एंड लास्ट वन, गिव योरसेल्फ क्रेडिट। एक डायरी हमेशा अपने पास रखें, अपनी प्रोग्रेस को ध्यान में रखें और देखिए कि आप कितनी दूर आए हैं। ये ग्रेट मोटिवेटर हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको द पावर ऑफ लेस बुक से बताया है, जिसके ऑथर है लियो बबौता। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। ये दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप और किसी बुक्स के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हो रही हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, यही मेरा असली मकसद है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्या पता उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो, बायोग्राफी और बुक समरीज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।